हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकिसना ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा की जो गाड़ी आने वाली है, टाटा पन सीएनजी जो आने वाली है, और टाटा की और भी गाड़ियां जो आने वाली हैं उनके बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, और वीडियोज़ को एंड तक देखें। आपको पता ही है टाटा जो बहुत ही काफ़ी सेफ़ गाड़ियाँ बना रहा है, जिससे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ है। और टाटा पन सीएनजी की बात कर लेते, इसको जो टाटा ने ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया भी था, टाटा पंच सीएनजी को अपनी अल्ट्रोज के सामने। बट अल्ट्रोज तो टाटा ने लॉन्च कर दी सीएनजी में, बट पंच जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। बट अब जो है पंच वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली, इसकी जो बुकिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है। सब हम आपको इस वीडियो में पूरी बताने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो। तो जो टाटा पंच सीएनजी है वो भी ट्यून सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला, जो कि आपको अल्ट्रोज में भी देखने को मिलता है। बट इससे पहले जो टाटा जो सीएनजी में गाड़ियां निकाल रहे थे, जैसे टियागो भी निकाली थी और टिगोर जो सेडान में आते वो भी निकाली थी, बट उसमें सिंगल सिलेंडर, जिससे कि बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता था टिगोर में। बट अगर हम टियागो की बात करें तो उसमें ना के बराबर ही बूट देखने को मिलता था। बट टाटा ने इसको देखते ही कुछ न्यू इन्वेंट करा है, इनोवेशन करा है काफ़ी अच्छा, जिससे कि हमारा बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा रह जाता था। तो जो टाटा पंच सीएनजी है उसको इसी मंथ के एंड तक जो है उसको लॉन्च कर दी जाएगी। वैसे ज़्यादातर जो हम अंदाज़ा जो चल रहा है वो 15 अगस्त तक टाटा जो है इसको लॉन्च कर देगी टाटा पंच सीएनजी को। और कुछ दिन पहले तक जो है काफ़ी लोग पूछते थे मेरे से कमेंट्स में कि टाटा पंच सीएनजी कब लॉन्च होगी, क्या इसकी एवरेज होगी, कौन सा इंजन होगा, ये सब हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो जो इसकी बुकिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है, जो कि प्री बुकिंग है, जो कि 21,000 से इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जिसको टाटा पंच सीएनजी चाहिए वो प्री बुक कर सकता है। तो आपको टाटा पंच सीएनजी है क्यों लेनी चाहिए, ह्यूंडई एक्सटर सीएनजी में क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ खास बात है टाटा पंच में, जिससे कि आपको एक्स्टर नहीं लेने चाहिए सीएनजी में, इसको लेनी चाहिए। वहीं पे अगर हम इसकी इंजन की बात कर लेते हैं, इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 86 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। अगर हम माइलेज की बात करते हैं, इसकी एक्सेप्टेड माइलेज जो है वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाती है इसके फीचर्स में, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, ड्यूल एयरबैग और ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा ये इनोवेशन है, जो कि आपका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। ऑटोमेटिक एसी, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टायर रिपेयर किट और हॉर्न, इसमें आपको ड्यूल जोन ही देखने को मिलता है। और इसमें आपको हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात कर लेते हैं, इसमें आपको ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग जो कि आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है, और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स को जो है आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आप हो सके तो इसमें 6 एयरबैग का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए, बट अभी ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि इसमें 6 एयरबैग भी आ रहे, बट इफ़ कि इसके जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 6 एयरबैग देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात कर लें तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस होगा वो 7 से 8 लाख के बीच का ही होगा। बाकी अगर आपको वीडियो मेरी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।